किसना और बिजू का राक्षस। पिताजी हमारे खेत कितनी दूर है? बस बेटा हम पहुंचने ही वाले हैं। ये अचानक क्या हुआ? पिताजी, काका, जल्दी गाड़ी भगाइए, पहाड़ी से पत्थर नीचे गिर रहे हैं। फसल हुई है। अब इन्हें पक्षियों से बचाने का भी इंतजाम करना है। उसके लिए सभी खेतों में बिजुका लगाने होंगे। बिजुका? पिताजी क्या ये काम हम बच्चे कर सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, सब बच्चे मिलकर इन्हें खेतों के बीच में लगाओ। ये तो बड़े डरावने हैं। तुम्हें क्यों लगा रहे हैं? सुधी, इसे खेतों में लगाने से पक्षी डरते हैं और खेतों में नहीं आते। लेकिन ये तो भूसा है, भूसा तो गाय भैंसों का चारा होता है ना, इससे पक्षी भला क्यों डरेंगे? बल्लू भैया, ये भूसे से ही बनाया जाता है, इसके मुंह की जगह मटकी लगाते हैं और इंसान के पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं, जिसे असली इंसान समझकर पक्षी खेत में नहीं आते। इन्हें डराते हैं। वो कैसे चंपू? बड़ा मजा आएगा।
है, बाकी काम खाने के बाद करेंगे। कितना डरावना है ये, मैं तो आनंद नगरी के खेतों में कभी नहीं जाऊंगा। काल काल काल, आनंद नगरी में इस साल इतनी अच्छी फसल है, अब तो वहाँ के लोग और भी खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन महाराज, अगर मैं उनकी ये फसल बर्बाद कर दूँ तो? वो कैसे? मैं आनंद नगरी के खेतों पर खड़े बिजू गांव को जिंदा कर दूंगा, और ये बिजू गाय पूरी की पूरी फसलों को बर्बाद कर देंगे। यानी रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे। वाह त्रिकाल, वाह। खेतों में भी बीजू का लगाते हैं। ये फसल कैसे बर्बाद हो गई? लगता है कोई जंगली जानवरों का झुंड घुस आया है। अरे लेकिन जानवर आते तो किसी को तो पता चलता। ये किसी जानवर का काम नहीं, इन बीजू गांव का है। बीजू गांव का? बेटा कृष्णा, ये तो निर्जीव वस्तुएं हैं, ये कैसे फसल बर्बाद कर सकते हैं? पिताजी, ऐसा लगता है इन्हें किसी मायावी शक्ति से जिंदा कर दिया गया था। इसके पहले ये फिर से जिंदा होकर तबाही मचाएं, हमें इन्हें नष्ट कर देना चाहिए। आओ बल्लू भैया। अरे भैया, ये तो बड़े खतरनाक लग रहे हैं, पता नहीं अब क्या होगा। भागो भागो। बच्चों संभल के। Yeah.